हमारे साथ बंगाल से लीना देवी जी, स्वागत है आपका। मैडम बोलिए। बताइए मैम, सवाल करिए। हेलो सर, जय नमस्ते। हिंद बंगाल वालों। सर मेरे पैर में जो है, ठंडा हो गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा पानी लगे रहते हैं, पूरा पाँव गल जा खराब हो जाते हैं। सर इसका कोई दवाई बताइए। जी क्या कहा? पैर गल जाता है, ठंड हो गर्मी हो। ठीक है, जरूर बताएंगे। देखिए, एक औषधि है, बंगाली में औषध कहते हैं दवाई को, इसलिए मैं औषधि कह रहा हूँ। हिंदी में भी औषधि कहते हैं, तो ज़रा बोलने का तरीका औषध है, ऐसे बोलते हैं। तो उसका नाम है गोंद चिलगोजा। गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। बस एक चुटकी गोंद चिलगोजा जितना इस चुटकी में आया है। ये रॉ मटेरियल, कच्चा है, कच्ची दवा है, जायके में फीकी, देखने में मिट्टी जैसा कलर होता है इसका। बस रोज़ाना खा लिया करिए, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है 2 गिलास पानी में डालें, और ये पानी में मिलाकर इस पानी से एक चुटकी गोंद चिलगोजा खा लें। जिनको भी इस तरह की परेशानी है, दाने निकलते हैं, ठीक ही नहीं होते हैं, पानी निकलता है उनमें से, तो ये मेरी नज़र में दुनिया का अच्छा नुस्खा है जो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जी, वाराणसी से हैं मोहम्मद सईद, स्वागत है आपका। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वाले सर। सलाम। हाँ, हमारे दो सवाल हैं। हमने कब्रिस्तान, उन्नाव, अलसी, पिपले, गोंद मोरिंगा खाया, तो आप कहते हैं कि गोंद मोरिंगा से वजन बढ़ता है, लेकिन हमारा कम कैसे हो गया? इसमें क्या चीज था कि जिससे हमारा वजन कम हुआ? और एक सवाल ये है, जो लोहे से कट जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं टेटनस हो गया, टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, तो टेटनस होता भी है या इंजेक्शन लगवाना जरूरी रहता है? ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो लोहा है, ये अगर लग जाए तो ज़रूर लगवाना चाहिए टेटनस का इंजेक्शन, नहीं तो ये जिस्म में जहर फैला देता है, और वो जब पता चलता है तो इतना देर हो चुकी होती है, किसी सूरत फिर फ़ायदा नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लोहा लगने से ये हो जाए, लेकिन लोहा लगे तो लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर जान के लाले पड़ जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमें इतना ख़तरनाक हो गया है, जहर फैल गया है कि कंट्रोल भी नहीं हो सकता, तो लगवाना अच्छा है। और वज़न कम हो रहा है तो आप चेक कराएं अपना थायराइड, कहीं वज़न कम करने वाला थायराइड तो नहीं हो गया, वरना इससे वज़न बढ़ना चाहिए। और ये नुस्खा जब आप खांसी वगैरह के लिए ले रहे हैं, उसमें बताया नहीं कितना फ़ायदा है, ये 6-7 महीने लेकर छोड़ें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, देहरादून से हैं कावेरी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हेलो सर, नमस्कार। दिन साहब, जय हिंद, स्वागत कावेरी जी का, खास स्वागत। आप कैसे हैं? थैंक यू। और बहुत अच्छे, आप बताइए। शैलजा मैम, आप ठीक है? जी और उस दिन मैम, आप बोल रहे थे ना कि प्रोग्राम की जान, तो मैं तो ये कहूंगी प्रोग्राम की जान तो आप हैं और सर हैं। हमारा तो बस इतना, एक अगर मैं कंपेयर करूं कुछ वर्ड्स में, तो मैं यही कह सकती हूं, जैसे ब्रह्मांड में सितारे होते हैं ना अनगिनत, तो हम तो व्यूअर्स वो सितारे हैं, और आप लोग तो सर सूरज हैं और आप चांद हैं। तो फिर बिना सूरज और चांद के तो प्रोग्राम नहीं होता ना। हम लोग भी टिमटिमाते हैं, चमकते हैं आप लोगों की मेहरबानी से। कुछ अच्छा कभी बोल जाते हैं, कभी आपसे तारीफ मिलती है, कभी शैलजा मैम से। तो दिस इज योर ग्रेटनेस, आपकी ग्रेटनेस है कि आप ऐसे हम लोगों को समझते हैं। और मैं सच कहूँ कि मैंने उर्दू चैनल पे भी देखा था, सुना था, एक दिन बाई चांस लग गया था प्रोग्राम, उसमें बहुत अपनापन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैं कम ही देखती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो आता है। तो
या इसी प्रोग्राम में देखती जहाँ शैलजा मैम से भी बात हो जाती है, तो मैं यही दुआ करूंगी कि ये शो इसी प्रकार चलता रहे. एंड आई ब्लेस एंड हैव गुड विशेस टू यू बोथ एंड द होल शो एंड ऑल व्यूअर्स. इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है. पिछली बार मैंने एक नुस्खा पूछा था कर्नल सर से, तो वो मुझे अभी याद नहीं है क्या पूछा था, पर वो पूछना था उनसे. बट मेरा जो क्वेश्चन है वो आज ये है, एक सवाल है बस, कि एफकेएल का पेट के अलावा और क्या काम हो सकता है, किस तरह से उसको और किसी नुस्खे में लिया जा सकता है, क्योंकि किसी ने मंगवाया था वो मेरे पास आ गया है, अब उन्होंने लिया नहीं तो एफकेएल मेरे पास पड़ा हुआ है. एस फॉर साउथ अफ्रीका. पार्डन, एस फॉर साउथ अफ्रीका. एफ फॉर फैट. फैट फैट, ठीक है ठीक है. हाँ, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है और बेकार जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या और यूज हो सकता है, किसी और के काम आए या घर में किसी के काम आए. ठीक है. सो दैट आई वांट टू नो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब के लिए. थैंक यू वेरी मच. क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ते जी. वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक. ये बहुत मशहूर शेर है उर्दू शायरी का. उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, यह आपकी नज़र. और वाकई देखिए, हम लोगों का नाम होता है शैलजा का और मेरा, वो ऐसे हैं जैसे हम फिल्म के अदाकार हों, कि नाम हमारा होता है, दिखते हमें, लेकिन हमारे पीछे बहुत सारे लोग जो कभी नज़र नहीं आते, वो बड़ा काम करते हैं, तब हम आप तक हमारी पहुंच होती है. और इनके लिए भी कभी मैं दुआ करता हूँ. आपने देखा होगा कि क्योंकि इन्हें लोग जानते नहीं हैं, इनका नाम गुमनाम रहता है, तो हमें इनका भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए. और अच्छा लगता है कि एक शेर और मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा ना सितारे और चांद और वगैरह, तो वो ये और बात है, खामोश खड़े रहते हैं. आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये शेर. ये और बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं. और हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं आप, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एफ केयर से ताल्लुक, देखिए वो चर्बी को काटता है, वजन को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, या दिल के रोगी को दे सकते हैं जिसको हार्ट ब्लॉकेज हो, दिल कमज़ोर हो, वज़न कम करना हो. और ये धनिए के साथ उस शख्स को दे सकते हैं जिसको थायराइड हो, मोटा कर रहा हो थायराइड, तो एक चम्मच धनिया और एक कैप्सूल ये दिन में एक बार या दो बार खाने से पहले दें तो थायराइड को भी कंट्रोल करता है जी. बहुत बहुत शुक्रिया कावेरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, और इतना हौसला अफजाई करने के लिए. और आप हमारे साथ जब जुड़ती हैं तो एक बात हकीम साहब ने कही थी कि जब आप बोलना शुरू करती हैं तो हम एकदम मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा बात करती रहें. तो ऐसे ही मैम बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप जैसे कॉलर्स का ही हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जो अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं उन नुस्खों से जो हकीम साहब बताते हैं, जो और लोगों की भी मदद करते हैं. हमें इतना अप्रिशिएट करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया. अगले कॉलर हैं हमारे साथ बिहार से, आरती जी स्वागत है आपका. नमस्कार. नमस्कार सर. ऐसा है कि हम बिहार से पटना से मैं बोल रहा हूँ, और मुझे नमस्कार. जी जी सर. हकीम साहब नमस्ते. जय हिंद, स्वागत है. आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, टीवी ना सुने, थोड़ी देर बात कर लें फिर टीवी पे सुन लीजिए हमारा जवाब. मैं आपको देख रहा हूँ टीवी में, मेरे गर्दन के दोनों तरफ जो हथेली है, हड्डी दोनों तरफ, तो उसी के गर्दन के दोनों तरफ जो हड्डी है दोनों तरफ, इसी पर थोड़ा सफेद रंग का इधर
दो महीने से थोड़ा सफेद रंग का दाग हो गया है, तो ये जो है तो कोई इसमें न दर्द है न खुजलाहट है, लेकिन ये हथेली की दोनों तरफ गर्दन के दोनों तरफ जो हड्डी है जो तो इसी पर सफेद रंग का दाहिने तरफ मेरे बांह के दाहिने तरफ सफेद रंग का दाग हो गया है, बिल्कुल व्हाइट है वो, बिल्कुल जो आपका कमीज है उस तरह से व्हाइट है, व्हाइट रंग का दाग हो गया है, तो क्या करें इसको, आप थोड़ा ये आप करा दीजिएगा। ठीक, ये उम्र और ये दाग और इस दाग से ये हकीम डॉक्टर सब लोग बड़े परेशान रहते हैं कि इसमें टाइम बहुत लगता है अच्छा होने में, और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत परेशान ना हो, बगैर इस दवा के भी ये गुजारा कर सकते हैं, ये खुद भी अच्छा हो सकता है। कैल्शियम अगर नहीं लेते आप तो एक हफ्ते में दो कैल्शियम की गोलियां तीन तीन दिन के फ़र्क से लिया करें। अक्सर हम मगर ये नहीं जानते कि 40 साल के बाद किसी को भी हफ्ते में एक गोली ज़रूर लेनी चाहिए, और मुमकिन हो अगर ज़्यादा कमी हो तो हफ्ते में दो बार ले लें, हो सकता है इसी से अच्छा हो जाए, नहीं तो फिर आपको एक नुस्खा बनाना होगा, लेकिन वो साल भर भी लग जाता है, पूरा साल भी लग जाता है इसके लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ना करें तो बहुत अच्छा है, हम भी परेशान हो जाते हैं, रिज़ल्ट बहुत देर में आता है। 50 ग्राम बापची, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, गौंद मोरिंगा सफ़ेद नकली बहुत मिलता है, इन सबको पाउडर बना के रखें, 1 ग्राम सुबह लें, 1 ग्राम शाम को, और गर्म पानी के साथ लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो सर आप ज़रूर ये नुस्खा अपनाइएगा और आपके फीडबैक कॉल का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहेगा। अगले कॉलर है मेरठ से, पूनम जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी। नमस्कार मैम, मैं दो महीने से, मेरे तीन चार सवाल है मैम, और मैं दो महीने से अलसी और गोंसिया खा रही हूँ, और आपके यहाँ से फोन आया है कि आप टीके या कैप्सूल ले लीजिए, क्योंकि मेरा एक महीने तक तो दवाई से कोई असर नहीं हुआ, एक महीने बाद मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक महीना हो गया पेन कम नहीं हो रहा है, और ये कब तक कम होएगा। और दूसरा सवाल है, मेरी आंखों से आंसू पानी कभी नहीं निकलता और कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द रहता है आंखों में। और तीसरा सवाल मेरा है, मेरा बेटा साफ नहीं बोलता, 3.5 साल का है, और उसका रंग बहुत ज्यादा है सांवला है, मैं सोची थोड़ा साफ हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दो मुझे। और चौथा सवाल है, मेरी भतीजी 16 साल की है, हाइट बहुत कम है और हेल्थी बहुत ज्यादा है। ठीक ठीक है, बच्ची जो 16 साल की है, गौंद मोरिंगा सफेद जल्दी से देना शुरू कर दे, रोजाना एक बार 1 ग्राम दूध पानी या नारियल पानी के साथ 24 घंटे बस एक खुराक गौंद मोरिंगा सफ़ेद। ठीक है, आपको बहुत देर से दवा का असर हुआ गौंद स्याह से और अब बढ़ा है दर्द, जबकि अब तो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन काम कर रहा है वो, वजह क्या है कि अगर आप कहना मानते हैं झाड़ू पोछा नहीं करते और ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो ज़रूर करें, इन बातों पर अमल करें, और ये उससे ज़्यादा तेज़ है जो कैप्सूल के बारे में डॉक्टर्स ने कहा है, वो उससे ज़्यादा तेज़ है, आप उसे ले सकते हैं, अलसी के साथ लें और कौनसिया ख़त्म हो जाए तो आप वो ले सकते हैं, एक साथ नहीं ले सकते इन दोनों को, ये उससे भी तेज़ है, और 5 दिन लगातार दर्द की दवा ले लें इसके साथ में, तो फिर आपको दर्द की बर्दाश्त भी आ जाएगी, आपको दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा वक्त में फ़ायदा होना चाहिए, आपके पास बच्चा है और अभी उसके लिए कोई इलाज मत लीजिए, उसको ग़िज़ाओं से फ़ायदा पहुँचाइए, आंवले का मुरब्बा खा सकता है तो खिलाइए, और उसको अभी इलाज पर मत डालिए, जब वो 10 साल का हो जाए
जैसे जैसे वो बड़ा होगा और सेहतमंद होगा तो उसका रंग निखरेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको कोई दवा ना दी जाए और उसका ख्याल रखा जाए डाइट, और मेरे ख्याल से तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आँखों में दर्द? हाँ, आँखों के लिए देखिए, अगर बहुत पानी आता है तो गौंद चिलगोज़ा आप एक चुटकी खा लिया करें, 10-20 दिन खाएं, तो ये पानी आना रुक सकता है जी।